फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मुझे कैट मिलेगी। यस, कौन सी वाली कलर की कैट चाहिए? हाँ तो कृष्णा मुझे कैट दिला के देने वाला है और ये मेरा ना रक्षाबंधन गिफ्ट होने वाला है, ठीक है? तो मुझे है ना गोल्डन कलर की कैट चाहिए कृष्णा। हाँ तो मैं, कृष्णा और पापा हम तीनों जा रहे हैं कैट लेने के लिए। चल बच्चे चलते हैं जल्दी, कैट लेके आएंगे। और चिकू अभी सो रहा है तो चिकू को भी सरप्राइज हो जाएगा, मियाँ उसको देखने मिलेगी। चल जल्दी चल, पापा रेडी है क्या? पूछ यार, मुझे तो ऐसे हो रहा है कि मैं अभी तुरंत निकलूं बिल्ली लाने के लिए। बिल्ली, बिल्ली मिल गई? हाँ मिल गई मिल गई। चलो ना अभी जल्दी से पापा, मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड है ना उसने गोल्डन कलर की बिल्ली मिला के दी है, बस आपको जाना है और लेके आना है। चलो फिर अभी। लेकिन एक बात समझ ले, वो अपना ची और कुछ वो बिल्ली का जीना हराम कर देंगे, तो याद रख इस बात को। नहीं यार पापा, मैं बहुत ख्याल रखूंगी, मुझे पता है ये दोनों बहुत बदमाश है, ये ना बहुत ये करेंगे वो बिल्ली को। ठीक से रहने, उसका मुंह देख, उसका मुंह देख उसका। बच्चे यार ऐसे नहीं यार, तुम्हें को बिल्ली दिला के दे रहा ना, ऐसे नहीं करने का, समझा ना? पापा आप भी समझाओ, उनके साइड से मत रहो, आप मेरी साइड से रहो। वो बिल्ली को बन बिन करके रखेंगे अलमारी में इधर उधर। नहीं मेरे को चाहिए फिर भी बिल्ली, मैं देख लूंगी। चलो अभी पापा ने देख ली तो चुप बैठ। नहीं हे दादाजी का तो मैंने सोचा ही नहीं, दादाजी को बिल्ली बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ यार मैंने तो ये बात सोची ही नहीं कि दादाजी को अगर पता चल गया कि घर में बिल्ली आई है तो क्या हाल करेंगे दादाजी, बहुत डांटेंगे मेरे को तो। यार क्या करूँ, लेकिन मुझे बिल्ली भी लेनी है यार, मुझे कैट्स बहुत पसंद है। ठीक है यार, जब का तब देख लेंगे, सुन लूंगी मैं डांट दादाजी की। लेट्स गो, हम जा रहे हैं कैट लेने के लिए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम है ना कैट लेने वाले हैं, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। चलो यार जल्दी, किस किस को कैट पसंद है वो भी कमेंट्स में बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। वैसे मैं एक और बात बता दूँ कि है ना पापा को भी दादाजी के जैसे कैट्स नहीं पसंद। अरे लेकिन दादाजी बहुत चिल्लाएंगे अगर उन्होंने बिल्ली देख ली घर में तो। नहीं उसको छुपा के ही रखेंगे हम। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, देख ही लेंगे दादाजी बिल्ली। लेकिन पापा आप संभाल लेना, दादाजी को बहुत डांटते हैं पता है आपको दादाजी। आपने है ना दादाजी का गुस्सा कभी देखा नहीं है, मैंने दिखाया भी। तुमको डांटेंगे, मेरे को भी डांटेंगे ना। आपको ज्यादा डांटेंगे। पापा मैं क्या बोल रही थी, कैट लेने से पहले ना मुझे इसमें जाना है, सैलून में जाना है। नहीं मिलता क्या रे तुमको? लगा ही था यार, काश मम्मी होती। अभी मम्मी भी है ना बीमार है इसलिए नहीं आ सकती मम्मी हमारे साथ। मैं क्या बोल रही थी, मुझे हेयर स्पा कराना है क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना पापा। चिल्लाना नहीं तो मैं मम्मी को वीडियो कॉल लगाऊं। चल रहा। तो चलो हम लोग आ गए सैलून में। देखो मुझे है ना हेयर स्पा करना है, कृष्णा को हेयर कट करना है और पापा को भी हेयर कट करना है, क्योंकि मैं भी आने वाला है म्यूजिक वीडियो के अंदर। ये सरप्राइज था आप सब लोगों के लिए, लेकिन पापा ने बता दिया अभी, मम्मी और पापा दोनों भी आने वाले हैं म्यूजिक वीडियो में। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं उसके लिए, चलते रहे हेयर कट करें। पहले बताओ पापा, आप ही बताओ कृष्णा का हेयर कट कैसे करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मम्मी ने बोला था साइड से ना बाल कट करने और ऊपर थोड़ी सी बाल रहने देने। कृष्णा का एकदम जबरदस्त हेयर कट करेंगे जैसे आर्मी कट ना। ठीक है बच्चे, ऐसे भी क्यूट ही लगता है हमारा कृष्णा, है कि नहीं? सो भी है ना, सबसे पहले मेरा ही हेयर स्पा हो रहा है और उधर किस साइड है ना कृष्णा का हेयर कट भी हो रहा है। पापा आप है ना थोड़ा थोड़ा उसका भी लेके आना, वो कैसे हेयर कट हो रहा है। और पापा का हेयर कट तो मेरा हेयर स्पा होने के बाद ही होगा, दाढ़ी थोड़ा सा उसको भी शेप देना है, ठीक है? क्योंकि पापा और मम्मी दोनों म्यूजिक वीडियो में दिखने वाले, तो जरा अच्छा दिखना चाहिए एकदम। और मेरे पापा ऑलरेडी हैंडसम है तो और हैंडसम दिखने चाहिए। जो है वो हो गया है, अभी बस है ना क्रीम वगैरह जो लगानी होती है वो लगाएंगे, 15-20 मिनट उसको रखेंगे, फिर से हेयर वॉश करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, अरे यार आप सबने ना ये देखा है क्या, वो जो पूरी कट हुई थी दाढ़ी पप्पा की, जो न्यू सब्सक्राइबर है उन्होंने अगर गांव का वीडियो देखा होगा, उसमें कैसे लग रहे थे पप्पा? बच्चे कैसे लग रहे बाल? अच्छे लग रहे। अच्छे लग रहे? अरे हेयर कट हुआ कहाँ, वो दिख रहा भी तो कहाँ हेयर कट किया जैसे। कितना अच्छा हेयर कट है, जब देख बच्चे हेयर कट कितना प्यारा दिख रहा हूँ। उसको ना ऐसे साइड से हेयर कट करा, पापा को बाजू में बिठा उधर सोफे पे बैठ जाओ। बाल नहीं कट करते और बच्चों के भी नहीं कट करने देते।
थे। मैंने यही बोला था कि साइड से है ना, साइड से कट करा और बीच में रहने दो बड़े बाल आर्मी कट जैसे। बच्चे क्या? तेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? पापा। और पापा का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं। सबस। बच्चे तो अपने मर्जी से बाल कटा रहा या टीचर की वजह से? टीचर की वजह से। और तेरे मर्जी से नहीं कटा रहा? ठीक है जाने दे, अच्छी बात है ना, फिर तूने हेयर कट कराया तो। मेरे है ना हेयर वॉश भी हो गए और देखो मुझसे मिलने कौन आए, ये दोनों आए क्योंकि है ना पेट शॉप, ये दोनों भी चलने वाले हैं मेरे साथ। ए ये देखो दीक्षा ने नेल किए, दीक्षा वाह, मेरे भी देख फिर तूने वाह। चुप बैठना क्या, देखो मेरा हेयर स्पा हो गया, कितने सही बाल लग रहे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। थैंक यू। ये देखो अभी कैसी लग रही हूँ मैं, परी देखो ये पर तुम कर क्यों रहे हो मेरे बालों को ऐसे। चलो पापा का हेयर कट हो गया होगा, देख के आते हैं। चलो चलो चलो, कहाँ पापा? मम्मी देखेंगे मम्मी कैसे रिएक्ट करती है पापा के ऐसे लुक पे। अच्छा चलो ये सब छोड़ते हैं, अभी हमने अगर बिल्ली ली ना कैट ली ना वो मेरे पास बैठेगी ठीक है? नहीं मेरे पास, नहीं ऐसी कुछ नहीं है, मेरे पास ही बैठेगी वो। एक काम करते हैं पापा के पास बिठा दे, उसको लेके बैठेगी। यस बच्चे तू मेरे साइड से। कृष्णा तेरे को गिफ्ट दे रहा है। हाँ कैट है ना, कृष्णा गिफ्ट दे रहा है, ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है। कृष्णा पैसे देने वाला है ना बच्चे के पास, है ना पैसे? बहुत पैसे है बच्चे के पास अपने। और बच्चे मैं भी तेरे को रिटर्न गिफ्ट देने वाली हूँ, उसके लिए रेडी रहना तू। क्या गिफ्ट है? अभी नहीं बताऊंगी मैं, रक्षाबंधन को पता चलेगा। हाँ देखो अभी है ना कृष्णा और वो दोनों जा रही है कैट देखने के लिए, फिर उसके बाद ना हम जाएंगे। इस साइड ही है शायद कहीं तो भी कैट का शॉप। देखो ये तीनों पहले गए इधर पेट शॉप, पता नहीं यार कैसे कैट्स होंगे वहाँ पे। A few moments later. तो जो कृष्णा ने मेरे लिए कैट पसंद की थी ना, देखो यार वो कैट है ना वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हम है ना आपके घर पे आके वो कैट दे के जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी हम घर पर चल रहे, घर चल के कैट का वेट करेंगे। मेरे को ऐसे लग रहा था अभी वो मेरी गोद में बैठ के घर चलेगी, लेकिन वो थी नहीं वहाँ पे। सो यार दीक्षा चली गई उसके घर पे क्योंकि उसके घर पे ना थोड़ा सा काम था, बट ऋतुजा चल रही है हमारे साथ जब तक बिल्ली मेरे पास नहीं आ जाती तब तक। बच्चे क्या? क्या यार कब आएंगी बिल्ली? वेट कर। हाँ एक घंटे के बाद। हाँ एक घंटे में आ जाएगी घर पर। नहीं लेकिन जितने भी कैट लवर है आप समझोगे, वो लेकिन घर पे बैठे वाला ची नहीं समझने वाला, वो उसको उठा उठा के पटकने वाला है। नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं ची को समझाऊंगी कि वो माऊ है, माऊ
वो उसको समझ आएगा। आ गए हम लोग घर पर, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। यार मुझे बस है ना अभी ये चाहिए कि जल्दी से है ना बिल्ली घर पर आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी ना वैसे वैसे दादाजी आने लगेंगे। फिर उसके बाद में अगर दादाजी आने के बाद में बिल्ली आ गई तो बहुत मार खाऊंगी मैं। सरप्राइज फॉर यू। अच्छा दिख रहे हो। कैसे लग रहे? अच्छे लग रहे अभी। कितने? बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ। तो अच्छे बाल है मेरे। ये देख मेरा लेफ्ट प्रोफाइल देख, ये मेरा राइट प्रोफाइल देख। वो बिल्ली आई क्या? नहीं बिल्ली, मैं ना बिल्ली को धप्पा देने वाला है जो छुप के बैठा हुआ है अभी। बिल्ली को आने दो फिर मैं बिल्ली को दिखाऊंगा। दीदी तुझे बिल्ली नहीं लाई? अभी बिल्ली को मैं ना उनको दिखाऊंगा मैं अभी असली शेर कोरे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ये मोहल्ले में अभी आजकल झगड़े नहीं होते, तो अभी मेरे को ये मोहल्ले में बोर होने लग गया। बोर तो अभी जब ना झगड़े होंगे वो देखो वो मेरी गैया आ गई। गैया मेरी, गैया मेरी प्यारी गैया। ए गैया मैं देख मैं तेरे को देखने के लिए खड़े रहा इधर। अरे मैं झगड़े हो रहे कहां? झगड़े हो रहे अरे बाप रे, झगड़े चल रहे मोहल्ले में। ये वो इकड़े बालों में ऐसे लुक में अच्छा लग रहा है। और आप सब भी बताओ पापा ऐसे लुक में कैसे लग रहे हैं, बताओ बताओ। तो देखो आज हमारे सोनल दीदी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। रुको अभी केक कटनी हुआ है। हैप्पी बर्थडे सोनल। थैंक यू दीदी। चलो सब रेडी है, वो फोन में रेडी है और देखो इस बार है ना मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए है ना कुछ ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हम। ठीक है सोनल दी? अरे कोई ना। अरे तुम कोने जमने आलो छोड़। अरे क्या फिर क्यों चुप कर रहा है? बिल्ली का
लगो मैंने पकड़ा। देख रही आपको, सलाम करो साहब को। कमेंट्स करके बताओ। तो अभी मेरे घर में आए लिए ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बिल्ली, मैंने तो उसका नाम रख दिया, अभी इसको इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे अभी कल से।